दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू E18 तेलंगाना न्यूज। कांग्रेस लीडर राशिद खान अनाउंस ₹25 लाख ऑन एक्स शिया बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी फॉर हिज PIL अगेंस्ट कुरानिक आयत्स इन सुप्रीम कोर्ट। वॉचफुल स्टेटमेंट रिपोर्टेड बाय शेख अहमद। E18 तेलंगाना न्यूज ब्यूरो। ये बद जनवर सुप्रीम कोर्ट में बिल दाखिल करा और बिल में ये लिखा हुआ है कि कुरान मजीद के 26 आयतों को कुरान मजीद से हटा देना चाहिए क्योंकि 26 आयतें दहशतगर्दी का पैगाम पहुंचाती है। और याद रख लीजिए ये जबान वसीम रिजवी की है मगर ये लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया बिल में वो बीजेपी और आरएसएस के। वसीम रिजवी बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंट है। और मैं आपको बताता चलूं कि 2018 में ये शख्स ने कहा कि अयोध्या के मसले को लेकर भगवान राम इसके ख्वाब में आके मुसलमानों की कट्टरपंथी को लेकर रोने लगे। अब इसके हिसाब से ऐसे कौन से भगवान राम हैं जो इसके ख्वाब में आके रो रहे। अगर भगवान आके भक्तों के सामने रोएंगे तो भक्ता किसके सामने रोएंगे। और मैं हिंदू भाव से यह कहना चाह रहा हूं कि कुरान मजीद की बेहरमती करते हुए इसने भगवान राम के बारे में भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किया और भगवान राम की भी बेइज्जती की। तो ये एक पागल कुत्ता है। और इसने जो कहा कि 26 आयतों को कुरान मजीद में से हटा देना चाहिए ये वाजिबुल खतल है। अगर उसका कोई खतल करते हैं तो ये वाजिबुल खतल है। और राशिद खान हैदराबाद से ये ऐलान करता है कि जो भी शख्स इसका गला खलब करेगा उसको राशिद खान 25 लाख का इनाम देगा। और मैं पूरे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि इसके बातों पर इतने संजीदगी से सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की हिफाजत वो खुद करेगा। एक नुक्ता भी जेर जबर भी कुरान मजीद से इधर उधर हो नहीं सकता खयामत तक। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जिम्मेदारी ले ली तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और लिहाजा ये बदजनवर के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं। ऐसे बहुत बदजनवर आए जो बीजेपी के एजेंट बन के हिंदुस्तान में फिर रहे और हिंदुस्तान की सालिमियत को तबोताराज करना चाह रहे वो हिंदू मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करना चाह रहे। तो लिहाजा ऐसे बदजनवर ऐसे कुत्तों को हमारे नजरों से दूर रखना चाहिए। और मैं फिर ऐलान कर रहा हूं जो भी शख्स इसका गला खलम करेगा राशिद खान उसको 25 लाख का इनाम देगा क्योंकि यह खतर वाजिबुल खतर है। खुदा हाफिज़। ये और एक सवाल था आपसे, मतलब इतना रिलीजन के बारे में बोलने के बाद भी कुछ कानूनी कार्रवाई की नहीं जा रही है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए भाई ये जमहूरियत है। जमहूरियत में हर वो शख्स को के पास इजाजत है कि वो ये जाके बिल रिट पिटीशन पुलिस स्टेशन कहीं भी रुजू हो सकता। तो उसका जमहूरी हक है वो उन्हें लेके जाके बिल दाखिल कर रहा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट भी हर रिलीजन के बारे में बुरा भला कह रहे हो तो इसके ऊपर जो है हुकूमत की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही। देखिए हुकूमत की कार्रवाई नहीं, हुकूमत बीजेपी की हुकूमत खुद चाह रही कि हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा होना इंतशार फैलना ताकि हिंदुत्व के बिना पे वो वोट को तकसीम कर सके। समझ में आया? एक तरफ मुसलमान हो जाएगा एक तरफ हिंदू हो जाएगा तो बीजेपी आरएसएस को बीजेपी आरएसएस को यह मौके का तलाश था पहले से और ऐसे मौके वो बार बार तलाश करते हुए आवाम के दरमियान में लाके इंतजार पैदा कर रहे ताकि उनको हिंदुत्व के बिना पर वोट आए और वो एक हिंदू राष्ट्र राम राज्य बोल के जो उनका ख्वाब है वो ख्वाब की तरफ दौड़ रहे उन्होंने। तो वो लोग मजहब का जहर उगल रहे पर हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो सेक्युलरिज्म के बिना पर बेस्ड है और उसकी बुनियाद सेक्युलरिज्म है। तो लिहाजा हमें यह समझना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान के इंतशार को दूर करना चाहिए। हिंदू हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है, ईसाई हमारा भाई है और हिंदुस्तान में अगर से भाईचारगी को आगे बढ़ाएंगे
तो हिंदुस्तान की सालिमियत और जो अमन शांति वो बरकरार रहेगी। बस मेरा पैगाम यह है कि वसीम रिजवी के बात पर उतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, और रही बात उसका कत्ल करना वाजिबुल कत्ल है, खत्म हो गई बात। खुदा हाफिज़।